ग्वालियर की सियासत में दिनों दिन समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा में हैं। ऐसे में किसी जमाने में उनके धुर विरोधी माने जाने वाले जयभान सिंह पवैया और उनके बीच तलखियां खत्म होती नजर आ रही हैं, जब सिंधिया और पवैया की मुलाकात हुई। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जयभान पवैया के घर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। पवैया की चाची के निधन पर दी सिंधिया ने श्रद्धांजलि। दोनों के बीच बंद कमरे में 20 मिनट तक हुई चर्चा। सियासी हलकों में नए समीकरणों के लगने लगे कयास। ग्वालियर पहुंचने पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जयभान सिंह पवैया के आवास पहुंचे। दोनों नेताओं की बंद कमरे में मुलाकात हुई। तकरीबन 20 मिनट दोनों नेता बंद कमरे में चर्चा करते रहे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया के यहाँ उनकी चाची के देहांत पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। आज दुख की घड़ी में ग्वालियर पहुंचते ही पवैया जी के यहाँ मैं पहुंचा। घर में चाची जी नहीं रही और दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि और उनको उनके परिजनों को संवेदना है। और यही एक भगवान से अर्चना है कि उनके दरबार में उनको स्थान दिया जाए, आत्मा को शांति मिले। मेरे पूज्य चाची जी उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने और संवेदना व्यक्त करने के लिए हमारे आवास पर सिंधिया जी आए थे। एक पारिवारिक और औपचारिक मुलाकात भावनाओं को लेकर जो होती है, ऐसी मुलाकात थी। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयभान सिंह पवैया की इस मुलाकात को औपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि जैसा आज हुआ है वैसे पहले कभी नहीं हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।